नमस्ते प्रणाम, मैं आदित्य कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक्निकल सोसाइटी पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं, दर्शन कराने वाले हैं मध्य महेश्वर के, जो कि पांच केदार में से दूसरे केदार हैं। शिव भगवान के दर्शन हम कराने वाले हैं। तो चलिए हम जोड़ते हैं आपको अपनी यात्रा के साथ। तो दोस्तों, हम 4 बजे उठ के अपने हॉस्टल से निकल पड़ते हैं मध्य महेश्वर की यात्रा के लिए। लेकिन हम जब रुद्रप्रयाग में जाते हैं, वहाँ पे रास्ता काफी ज्यादा बेकार था। वहाँ पे बाइक चलाना, स्कूटी चलाने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और सुबह का समय था, इसलिए ठंड भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन जो नेचर का सौंदर्य था वो देख के पता नहीं हमें कहाँ से एक ऊर्जा मिल रही थी और मानो ऐसा लग रहा था कि भगवान अपनी तरफ हमें खींच रहे हैं और हम बहुत ही रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। मैं तेरा तू मेरा सब तेरा महादेव, मैं तेरा तू मेरा सब तेरा महादेव, चार दिशा बोले तेरी, धरती अंबर ये जग तेरा, चंदा सूरज बोले तेरे, मैं तो बच्चा हूँ तेरा, मैं तेरा तू मेरा सब तेरा महादेव, मैं तेरा की कलियों में तू, शहरों की गलियों में तू, बस्ती और गांवों की छांव में तू, ऊंचे पर्वत में भी तू, लंबी नदियों में भी तू, सागर की गहराई से गहरा बोले तू, तेरे जैसा ना कोई देखा यहां, सब देखा तू नहीं, मैं तेरा तू मेरा सब तेरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो 3 से 4 घंटे बाइक को चलाने के बाद हमारी हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हमें भूख भी लगी होती है। तो यहाँ पे हम मध्य महेश्वर के ट्रैक से 1 किलोमीटर पहले रुक जाते हैं और यहाँ पे रुक के हम और इन दुकानों पे जाके हम चाय पराठे और मैगी खाते हैं और यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं और यहाँ पे सब अपनी अपनी फ़ोटो क्लिक करते हैं, वीडियो बनाते हैं और एक दूसरे से बातें करके काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। क्योंकि ये चीज़ हमें पता थी कि आगे आने वाली जर्नी हमारी और ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है, तो हम ये पल को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और हम फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। भोलेनाथ शिव शंभु भजे, मन काशीनाथ शिव शंभु भजे, रंग में तेरे रंगना हमें, ढंग में तेरे ढलना हमें, संग तेरे ही चलना हमें, संग तेरे ही चलना हमें, डम 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 डमरू बजे। तो फाइनली हम आ जाते हैं जहाँ से स्टार्ट होता है मध्य महेश्वर का ट्रैक और यहाँ से हमारा सामना होता है मुश्किलों से, क्योंकि इससे पहले हमें ट्रैक पे चढ़ने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो हमें चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होती हैं और जो यहाँ की पहाड़ियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीधी हैं और उस पर बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। तो आगे आप देखते रहिए कि हम कैसे कैसे इंजॉय करते हुए अपनी जर्नी को कम्प्लीट करते हैं। शिव ध्यान मंगलाकार है, शिव अनादि शिव अनंत है, इस पार शिव उस पार है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार। अंकल इसका कितना प्राइस है? इसका ही
हाँ जाने का माल का ना ना आदमी का, कौन सा आदमी का? बच्चों का इस पे जाने का या सामान के लिए है ये बस। कितना लगता है इसमें? हाँ 3,000 जाने का और आने का। अच्छा शिव शंभु मेरे पार लगा दो, शिव शंभु मेरे डम 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 रुबजे, डम 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 रुबजे, भोलेनाथ शिव शंभु भजे, मन काशीनाथ शिव शंभु भजे। रंग में तेरे रंगना हमें, ढंग में तेरे ढलना हमें, संग तेरे ही चलना हमें, संग तेरे ही चलना हमें। डम 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 रुबजे, डम 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 रुबजे, भोलेनाथ शिव शंभु भजे, मन काशीनाथ शिव शंभु भजे। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। बम बम भोले, बम बम भोले, बम भोले, बम बम भोले, बम भोले। शिव प्रार्थना शिव साधना, शिव ध्यान मंगलाकार है, शिव अनादि शिव अनंत है, इस पार शिव उस पार है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमा। बोलो हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। लगभग 3 से 4 किलोमीटर ट्रैक कंप्लीट करने के बाद हमें पहला गांव मिलता है। यहां पे हम बैठते हैं और काफ़ी ज़्यादा थकान होने के कारण हम थोड़ा सा आराम करते हैं और यहां पे हम पानी पीते हैं।
उसके बाद हम फिर से बाबा के दरबार की तरफ तेजी से बढ़ जाते हैं। तो 16 किलोमीटर के ट्रैक में से 6 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट करने के बाद हमें मिलती है एक नदी जिसके अंदर शीतल और ठंडे पानी बहता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पुल है ये टूटा हुआ है, अभी यहाँ पे लकड़ी का यहाँ पे पुल बना हुआ है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा पुल है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी इसलिए हमने अपना अपना जूता निकाल के नदी में बैठ के अपने पैर को नदी में डाला, जिससे कि हमारे पैर को बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था और काफ़ी ज़्यादा थकान होने के कारण हम वहाँ पे बैठ गए आराम करने के लिए। और उसके बाद थोड़ी देर बाद हम फिर से वहाँ से निकले, लेकिन अभी हमने अपनी आधा भी जर्नी कंप्लीट नहीं की थी और यहाँ से हमें मुश्किलों का सामना करना स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ से जो पहाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल सीधी हैं तो आपको यहाँ से बिल्कुल भी प्लेन ट्रैक नहीं मिलेगा। तो यहाँ से मुश्किलें हमारी चालू होती हैं और बढ़ती हुई चली जाती है, लेकिन हम भी पीछे कहाँ हटने वाले थे, हम भी आगे बढ़ते गए। तो हम सुबह के 11 बजे अपना ट्रैक स्टार्ट किए थे और रात के 12 बजे हम पहुंचते हैं मध्य महेश्वर बाबा के द्वार। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेट होने के कारण हमें रहने के लिए ना ही कोई कैंप मिलता है, ना ही कोई रूम मिलता है और ना ही खाने के लिए खाना मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें बंद हो गई होती है। तो हम वहाँ पे जाकर लकड़ियों का जुगाड़ करते हैं और उसके बाद 5 डिग्री सेल्सियस के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे, हम रोड के ऊपर लकड़ियों को जलाते हैं और उससे जो गर्मी हमें मिलती है, उससे जो हमें सुकून मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। और वहाँ पे हम दोस्तों के साथ बैठ के काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं और फिर सुबह होने का हम इंतज़ार करते हैं। चलता डहरिया पे वाह 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 दूर बा बलमुआ के गाँव रे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ओपनिंग बढ़िया था हो जाए मैं सोचता पहले कोई एक और पूजा तक करो तो भैया चोरा है पर होके पसीने से तर बतर और बस का किराया है 100 रुपया और जेब में है तुम्हारे 75 5 रुपये की चाय पी कर किसका चल पर पैदल और जो भी मिले उससे कहो ओ भाई आई लव यू आते
कॉलेज खत्म होने के बाद ले रही है जिंदगी स्वाद ले रही है। दो चार ख्वाब थे दो चार यार थे, क्या बात है, दो चार ख्वाब थे दो चार यार थे, छीनिए साली जायदाद ले रही है जिंदगी स्वाद ले रही है। पत्ते पत्ते डाल, पत्ते डाल, बंद हो रहा है, थोड़े से ज्यादा नहीं, बस हो गया, बस हो गया, ज्यादा मत डाल। Come on guys, चाव का सितारा अब तो तू आ भी जा खुदारा, तेरी ये दोनों पागल आंखें हर पल मांगे तेरा नजारा, हाँ समझाऊं इनको किस तरह, इन पे मेरा बस नहीं चलता। हाँ हा। तो काफ़ी ज़्यादा रात हो जाने के बाद और काफ़ी थकान लगने के बाद, क्योंकि हम काफ़ी दूर से चलते हुए आ रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा हमें थकान हो गई थी, इस कारण हम सब वहीं पे जैसे जिसे जगह मिली सो जाते हैं और सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। तो हम सुबह के 4 बजने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि 4 बजने के बाद हम बुद्धा मध महेश्वर के लिए निकलने वाले थे। वहाँ पर आपको चौखंबा पीक भी देखने के लिए मिल जाएगा, वहाँ का सबसे अच्छा व्यू होता है जब सनराइज होता है, इसलिए आपको वहां पे सुबह में ही निकलना पड़ेगा। और जो उसकी चढ़ाई है वो बिल्कुल सीधी पहाड़ियों के ऊपर आपको मध महेश्वर से 1 किलोमीटर ऊपर आपको मिल जाएगी। वहां पे जो पहाड़ों का और बादलों का रिफ्लेक्शन होता है पानी के अंदर वो काफी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर लगता है। और वहां पे जो सनराइज होती है वो भी काफी प्यारी लगती है, तो वो देखने के लिए हम चले जाते हैं बुद्धा मध महेश्वर। तो बुद्धा मध महेश्वर के आने के बाद हम अपना सामान लेके कुंड में जाते हैं और कुंड में जाके हम नहाते हैं। कुंड का पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, फिर भी हमने नहा के उसके बाद हम प्रसाद लेने जाते हैं और प्रसाद लेके भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं। और जैसा कि वहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ था कि मंदिर के अंदर का फ़ोटो लेना बिल्कुल मना था, तो नियम का पालन करते हुए हम बिल्कुल भी मंदिर के अंदर का फ़ोटो नहीं लेते हैं। मंदिर के बाहर हम बहुत सारा फ़ोटो खिंचवाते हैं और आसपास की जो चीज़ें हैं उनको हम अपने कैमरा में कैद करते हैं, और ये जो यादें हैं इनको हम अपने कैमरे में कैद करते हैं, और जो ये यादें हैं इनको भी हम अपने साथ अपने कैमरे में कैद करते हैं। अब सुबह के 10 बज गए थे और हमने बाबा का दर्शन भी कर लिया था, और वहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी थी, ठीक है, खाने के लिए भी इतनी ज़्यादा ऑप्शन आपके पास नहीं था और चीज़ें काफ़ी महंगी थी, इसलिए वहाँ एक दिन और रुकना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, इसलिए हम अपने घर की तरफ फिर से निकल पड़े